दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आपसी जा रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। अब ये माले के लोग जो कहते हैं उनकी विवाद सच है, जमीन पर गहराई में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उसी के अनुसार जो है आप सीट मांगिए कि हाँ साहब हमको ये स्थिति है हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है, सभी पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में जाने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीटों का जो है बंटवारा नहीं हुआ है। एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। एनडीए में हिंदुस्तानी युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। बाकी बचे जो भाजपा, जदयू और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा है, सभी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तो दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी अपने प्रत्याशियों को सिंबल तो बांट रही है, लेकिन उनके सहयोगियों में अभी तक तालमेल नहीं बैठ पाया है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने ज़्यादा सीटों का डिमांड कर रही है, इसलिए अभी तक तालमेल नहीं बैठ पाया है। वहीं उन्होंने कहा कि भाकपा माले के लोग अगर सीट मांगते हैं तो उनका तो जमीनी हकीकत है, वो ठीक है, लोग उनसे ज़मीन से जुड़े हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें का डिमांड कर रही है, उनके पास लोग नहीं हैं, फिर भी वो सीटों का डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सबसे बड़े भाई के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल को ही ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं शिवानंद तिवारी, पहले सुनवाते हैं। देखिए, लालू जी ने ये मुक्ति लगवाई थी, हम लोग उनके आभारी हैं, परिवार तो आभारी है ही, तिवारी जी को चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग भी आभारी हैं। उसके बाद भी इसको राजकीय समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और हर साल मुख्यमंत्री चाहे कोई हो यहाँ आता है, लेकिन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसके चलते मुख्यमंत्री नहीं आए। उनकी ओर से नामित हुए पटना जिला के कलेक्टर साहब वो आए और आप लोगों के साथ में ही जो है ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सर, एक सवाल और है जो राजनीतिक रूप से है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजद को लेकर सवाल उठ रहा है, कांग्रेस सहयोगी दल है, वो कह रही है कि सिंबल बांटने का सिलसिला भी ना करे क्योंकि अभी समझौता नहीं हुआ गठबंधन के तहत। इसके बारे में तो देखिए हम आधिकारिक रूप से नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आपसी जा रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। अब ये माले के लोग जो कहते हैं उनकी विवाद सच है, जमीन पर गहराई में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उसी के अनुसार जो है आप सीट मांगिए कि हाँ साहब हमको ये स्थिति है हमारी। वहाँ बातचीत भी हुई कि मान लीजिए कि आप लड़ना चाहते हैं, कौन आपके उम्मीदवार हैं आप ये भी बताइए, ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो इधर से लालू यादव का जो अपना ये है, उन्होंने सिंबल लोग कई लोगों को दे दिया। अब आप दिल्ली लोग आए हैं, दिल्ली में क्या बातचीत होती है, हमको लगता है कि वहीं जो है फाइनल होगा और सारा ये सब खत्म हो जाएगा। इसको बहुत गंभीर बना करके नहीं देखना चाहिए कि इसका असर जो है गठबंधन पर पड़ेगा और गठबंधन जो है वो बिगड़ेगा। गठबंधन रहेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल घबराई हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, क्या बता रहे हैं भाई, जिस आरोप में आप गिरफ्तार किए हैं इलेक्शन के बाद भी आप कर सकते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी हत्या हो रही है। आपने कांग्रेस पार्टी का खाता जो है बंद कर दिया। अब उसमें एक मामला है, सीताराम केसरी जब अध्यक्ष थे उस समय का मामला है ये, और आप उसको रोजमर्रे का खर्चा जो है निकालना उनका बंद कर दिया। ये सब कुछ जो हो रहा है, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप देख लीजिए महाराष्ट्र में जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप था, इसी पर उनको
मैंने इस्तीफा देना पड़ा। कृपा शंकर जी को जौनपुर में बनाया है, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। ये अजीत पवार के बारे में खुद प्रधानमंत्री ने बोला था, ये एक खोग है। और खास करके इलेक्टेड भवन के बाद जो सारा फैक्ट उजागर हुआ है कि आप जो है लोगों को मैंने ब्लैकमेल कर रहे हैं, ईडी के जरिए, मैंने इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए, और आप रेड कराते हैं, उधर पैसा जमा होता है। तो भ्रष्टाचार की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको कहीं से अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के लिए। और हम लोग जो बराबर कहते रहे हैं कि लोकतंत्र इनके ये में सुरक्षित नहीं है, जो कुछ इधर घटनाएं हो रही हैं वही साबित कर रहा है कि लोकतंत्र में इनको एकदम यकीन नहीं। तो अभी आपने सुना आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन में जो सीटों को लेकर पेच फंसा है उस पर बड़ा खुलासा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटों का डिमांड कर रही है, इसके कारण अभी तक सीटों का जो है महागठबंधन में तालमेल नहीं बैठ पाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें पता नहीं है कि महागठबंधन में आरजेडी अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट रही है। वहीं अखिलेश प्रसाद ने यह भी कहा था कि जिन प्रत्याशियों को सिंबल मिला है वो सिंबल भी वापस हो सकता है। और भी क्या कुछ कहना था शिवानंद तिवारी का आपने सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।